We've constantly been giving out news and fun segments to you guys. Well, this time again in this segment, we have with us Tanya Sharma sharing with us her 11 facts that are not known to her fans. हेलो पीपल, आज इंडिया फोरम्स में मैं अपने बारे में 11 अननोन फैक्ट्स बताने वाली हूँ. एंड सो जस्ट गेट रेडी टू बी शॉक्ड बिकॉज बहुत वियर्ड मेरे जो अंदर की बातें हैं, फैक्ट्स हैं, वो भी आपको पता चलने वाले हैं. फर्स्ट, एज अ किड मैं बिल्कुल पिक्चर्स नहीं खिंचवाती थी. आई वॉज स्केयर्ड ऑफ द फ्लैश, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ द कैमरा. सो नाउ यू कैन सी मी, आई मीन आज की डेट में मैं हर दिन पिक्चर्स खिंचवाती हूँ. और तब मैं छोटी थी तो मैं एक भी पिक्चर नहीं खिंचवाती थी, और इसलिए मेरे पास बचपन की ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है. सो दैट्स माय फर्स्ट अननोन फैक्ट. सेकंड इज़ कि जब मैं स्कूल में थी, सो आई वाज मैं ना पेट दर्द का नाटक करती थी. आई मीन पेट दर्द का नाटक मतलब मुझे जेन्युइनली पेट दर्द होता था. तो मैं मैम को बहाना क्या देती थी कि फ़ैन नहीं है ना, इसलिए फ़ैन मेरे को हवा नहीं आ रही, इसलिए मुझे पेट दर्द हो रहा है. सो इसलिए मैं पूरे स्कूल के टाइम हमेशा पंखे के नीचे बैठी रही. इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा गर्मी लगती है उनको बिना पंखे के नीचे बिठा दिया करता था, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज क्लासरूम एंड यू हैव लाइक 6 फैंस एंड स्टिल आई हैव टू सिट जस्ट नीचे फ़ैन के. सो दैट्स लाइक द सेकेंड जो मैं झूठ बोलती थी टीचर से. दैट्स माई सेकेंड अननोन फैक्ट. थर्ड ये फैक्ट है मेरा कि in my 10th standard I was like the leader, like one of the leaders in ministers, and still meri teacher ne mujhe bahar nikal diya tha kyunki maine na apni position ka galat fayda leke bahar main bunk karke aise hi dance kar rahi thi, bahar se chote bachche ko sikha rahi thi jo meri actually duty nahi thi, but main bunk karke bahar gayi. And then for next 2 lectures I was not allowed to sit in class. चौथा फैक्ट है कि मैं बचपन में बहुत रोती थी. मतलब मुझे बहाने चाहिए थे रोने के लिए. अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं रोऊंगी, वो तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है लड़कियों की. तो खाना नहीं मिला तो रोना है, गर्मी लगी तो रोना है, कुछ चीज़ नहीं मिली रोना है. फोर्थ, अगर कोई लास्ट मिनट प्लान्स कैंसिल होते रोना है. तो ये 5 चीज़ें रोना रोना. बट द जो ट्विस्ट है इसमें ये है कि बचपन में रोती थी बट अब मैं रुलाती हूँ, सो आई फील गुड नाउ. और मेरा जो फिफ्थ फैक्ट है वो ये है कि स्कूल टाइम में आई वॉज ब्रॉट अप इन अ गर्ल्स स्कूल. सो वहाँ पे जब भी कोई कॉकरोच आ जाता था ना तो सब लोग लड़कियाँ से चिल्ला के ऊपर बैठ जाते थे. बट आई यूज़ टू बी लाइक ओ डूड लुक एट मी नाउ. सो आई यूज़ टू पिक द कॉकरोच और मैं ऐसे सबको डराती थी और डस्टबिन में फेंक देती थी. समहाउ आई फाइंड दोज फ्लाइंग कॉकरोचेज रियली क्रीपी. आई मीन मैं उनको देख के, मुझे नॉर्मल कॉकरोचेज लिजर्ड्स कुछ नहीं डर लगता, बट वो फ्लाइंग कॉकरोचेस इतने गंदे और इतने लगते हैं. सो आई रियली फाइंड देम क्रीपी एंड आई जस्ट यू नो आई मेक श्योर दैट आई एम नॉट अराउंड देम और दे आर नॉट अराउंड मी. दैट्स इट. सिक्स्थ फैक्ट इज दैट आई एम रियली इमोशनल, दो आई डोंट लुक लाइक, बट आई एम वेरी इमोशनल रिगार्डिंग एंड स्पेशली आई टेल यू अबाउट माई सिस्टर. मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ बट मैं सबसे ज़्यादा उसको मीन कमेंट्स मारती हूँ, बोलती हूँ, सबसे ज़्यादा रूड बिहेव करती हूँ उसके साथ. बट आई लव अ द मोस्ट, सो दैट्स माई ट्रेट कि इफ़ आई लव समवन अ लॉट आई डोंट एक्चुअली जता ओ आई लव यू, आई लव यू, आई डोंट से दैट. आई जस्ट बी मीन टू दैट पर्सन सो दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड दैट डूड आई लव यू. सो दैट्स माई सिक्स्थ फैक्ट आई गेस. सेवन्थ अननोन फैक्ट इज़ कि मुझे हिली एरियाज बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. आई मीन आई वेंट टू मनाली एंड आई ऑल द टाइम आई वाज लाइक मेरे को नहीं देखना, एक साइड वैली एक साइड समुंदर है, पता नहीं क्या है, रिवर है. मुझे बहुत डर लगता है ऐसी एरियाज के लिए, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे हिली एरियाज में जाती नहीं हूँ बिकॉज आई एम शिट स्केयर्ड बिकॉज ऑफ दैट. मैं एक्चुअली हॉरर मूवीज़ देख लेती हूँ एंड इनिशियली आई एम नॉट स्केयर्ड. ओके, आई मीन मूवी देखते समय मैं चिल्लाती हूँ बट मैं देखती हूँ फिर भी बिकॉज आई हैव दैट थिंग कि चल क्या हो गया चिल्ला लिया. बट आई हैव दिस थिंग दैट आई वॉन्ट वॉच ऑल द हॉरर मूवीज इन दिस वर्ल्ड. आई कीप यू नो स्क्रीमिंग बट आई वॉन्ट टू वॉच. सो दैट्स माई 8th फैक्ट दैट आई डोंट हैव टू वॉच इट बट आई वॉच इट. दैट्स काइंड ऑफ नेचर आई हैव. एंड मैं बहुत ढीठ हूँ, मुझे कोई बोलता है ना कि मत कर मैं वही करती हूँ. मैं बहुत ढीठ हूँ तो मेरे को तो इतना मेरे को अपने आप को इतना मैं ढीठ ऐसे समझती थी कि मैं सोचती थी कि आई इंक माई सेल्फ इधर ढीठ तो मम्मी खुश हो जाएगी एकदम. प्लीज़ डोंट जज मी गाइज, प्लीज़ डोंट जज मी. बचपन में मैं कलर के हिसाब से दोस्त बनाती थी. आई मीन आई वॉज अ रेसिस्ट बैक देन, लाइक
like really bad. I know I'm very bad, but now I'm not, okay? So pehle main sirf gore logo ko apna dost banati thi, matlab as in who has fair complexion, so main sirf unse dosti karti thi. That's very bad, I am really sorry, but now I don't do that. Now I've grown up, I'm mature now, I understand, okay? So don't judge me on that, please. टेंथ फैक्ट ये है कि मैं हील्स के लिए पागल हूँ. आई एम अ शू लवर. सो मुझे कहीं भी जाना है तो कुछ नहीं मैं खरीदूँ, बट मैं शूज़ ज़रूर खरीदूँगी. आई जस्ट वॉन्ट टू कलेक्ट, आई वॉन्ट टू जस्ट कलेक्ट. मैं पहनूँ ना वो अलग बात है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आई कॉन्ट वेयर मीरा की साड़ी के नीचे इतनी अच्छी हील्स ना, तो बट मैं कलेक्ट करती रहती हूँ एंड नाउ आई हैव अ नाइस कलेक्शन. इलेवेंथ वन इज that I love perfumes and I it's kind of a turn on for me if a guy is wearing a nice perfume. So I guess the guy should smell good, and in fact everyone should smell good. I hate stinky people, smelly people. In fact school mein to main ek meri jo classmate thi, she used to stink like hell, and I personally went to teacher and she's like, I'm not gonna sit next to her, she stinks like hell, I'm so sorry, I can't name that person. But I seriously made it a point that I go to the teacher and says, ma'am please. So I get really 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 good vibes also if that person is wearing a good perfume, so better keep that in mind. So these were my 11 unknown crazy facts, so keep watching India Forums, I love you. We are sure you guys were unaware of these little facts of Tanya Sharma. Upasna Patel, cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Tanya Sharma from Saath, Nibhana, Saathiya. Keep watching India Forums and subscribe to WhatsApp TV. Thank you.